हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल तेकुक FF हिंदी स्पेलन। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन व्हेन हिज बॉस बिकेम नीडी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जे के ते को हक करके रखा था और ते भी कुछ नहीं बोलते हैं, वो भी ऐसे ही खड़े हुए थे उसके साथ। कुछ देर वो दोनों जो है ऐसे ही रहते हैं और जे के को बहुत अच्छा लग रहा था। ते को गले लगा कि पता नहीं उसको बहुत ही अच्छा फील हो रहा था, सुकून मिल रहा था। ऐसा लग रहा था कि ते उसका बहुत ही अपना है और ते भी उसको कुछ नहीं बोल रहा था, उसको भी बहुत अच्छा लग रहा था। और वो मन में सोच रहा था कि बॉस इतना परेशान क्यों है, इतने गुस्से में क्यों रहते हैं वो, और कि क्या लगते हैं वो चेयरमैन, वो उनसे इस तरह से क्यों बात कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो इसकी फैमिली मेम्बर है। तो ते को अभी तक पता नहीं है कि RM जो है वो JK का डैड है और जिमिन उसका ब्रदर। तो वो कुछ नहीं जानते हैं क्योंकि वो अभी अभी ऑफिस पे इंटरव्यू के लिए आया था और अभी से काम करना शुरू हो गए हैं। तो ऐसे कुछ देर रहने के बाद फिर JK को होश आते हैं और उसको छोड़ देते हैं। फिर बोलते हैं, सॉरी तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? तो ते बोलते, नहीं ठीक है। आप इतनी परेशान क्यों लग रहे हो, सब ठीक तो है ना? आपकी तबीयत ठीक तो है ना? आपकी बॉडी बहुत ही गर्म है, क्या आपको बुखार है? नहीं तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी टेंशन मत करो तुम। क्या तुम ठीक हो? और मैंने तुम्हें थोड़ा सा ज़्यादा ही डांट दिया है, आई एम सॉरी। तो ते बोलते, इट्स ओके, कोई बात नहीं। क्या लगते हैं वो आपके? तो JK बोलते हैं, ओ वो इंसान, वो मेरा डैड है। तो ते बोलते, इस तरह से क्यों बोल रहे हैं आप? आपकी डैड है तो आपको तो उनसे इस तरह से बात नहीं करना चाहिए था। तो फिर आपने इस तरह से क्यों बात किया है उनसे? उनको बुरा लगा होंगे। तो JK बोलते, कोई बात नहीं, लगता है तो लगने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको तो इन सब चीज़ों में आदत हो चुके होंगे क्योंकि मैं उनसे हमेशा इस तरह से ही बात करता हूँ। लेकिन ते बोलते, लेकिन ऐसा क्यों करते हैं आप, और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो JK बोलते हैं, तुम इन सब बातों में मत पड़ो, ठीक है, तुम्हें जो कहा जाए वो ही करो। तो ते बोलते, सॉरी मैंने ज़्यादा ही क्वेश्चन कर लिया है आपको, आई एम सॉरी। तो JK उसकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं, इट्स ओके, कोई बात नहीं, तो तुम अब घर जा सकते हो। तो ते बोलते, क्या मेरा काम ख़त्म हो गया है, क्या मैं घर चले जाऊँ? तो JK बोलते, हाँ मैंने कहा ना तुम घर जा सकते हो और मैं तुम्हें कॉल कर दूँगा, तुम्हें कब आना है। फिर बोलते हैं, क्या मुझे आज फिर से आना है? तो JK बोलते हैं, मेरा मन करे जब भी मैं तुम्हें कॉल करूँ तुम जल्दी से आ जाना, लेट मत करना, ओके? तो ते को समझ में नहीं आता है, पहले तो मुझे बोल रहा है कि ऑफिस से जाओ आप, फिर बोलता है कॉल करके दोबारा से बुला लेंगे, लेकिन एक कौन सा जॉब है मुझे समझ में नहीं आता है। मैं उनका पर्सनल सेक्रेटरी हूँ, इसका ए मतलब तो नहीं कि मुझे उनका पर्सनल काम भी करने पड़ेंगे, और वो मुझे कॉल करके फिर दोबारा से क्यों बुलाएंगे? तो JK बोलते हैं, क्या सोचने लग गए हो तुम, मैंने तुम्हें कहा ना तुम घर जा सकते हो, जाओ। और ते बोलते हैं, ठीक है बाय, और फिर वो चले जाते हैं। वो घर जाने लगते हैं, दोबारा से उसकी फ़ोन बजने लगते हैं, तो वो JK का कॉल था और JK को ते की फाइल से उसके नंबर मिल गए थे, वो सेव कर लिया था, ठीक है। तो ते जो है तुरंत कॉल उठा लेते हैं और बोलते हैं, हेलो। फिर JK बोलते हैं, हाँ मैं, जल्दी से ऑफिस आ जाओ। फिर बोलते हैं, अभी अभी तो आपने मुझे घर जाने के लिए बोला था। तो JK बोलते हैं, मेरा मन बदल गया है, अब मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम घर जाओ, तुम जल्दी से ऑफिस आ जाओ, मुझे तुम्हारे साथ कहीं पे जाना है। तो ते बोलते हैं, मैं तो अभी तक लिफ्ट में चढ़ा भी नहीं था कि उन्होंने मुझे दोबारा से कॉल करके बुला लिया है, ऐसे भी मैं ऑफिस से बाहर जा ही नहीं पाया। तो बोलते हैं, ठीक है मैं आ जाता हूँ। मे आई कम इन सर? यस कम। क्या तुम तैयार हो मेरे साथ जाने के लिए? कहाँ जाना है सर? तुम्हें मेरे साथ एक रेस्टोरेंट पर जाना पड़ेगा। तो ते बोलते हैं, अभी अभी मैंने ऑफिस पे ज्वाइन किया है और अभी अभी मैं उनके साथ रेस्टोरेंट पे जाने वाला हूँ, क्या मतलब? तो JK बोलते, क्या सोच रहे हो, मीटिंग है इसलिए।
अभी अभी कोई इम्पोर्टेंट सा मीटिंग आ गए हैं, मुझे जाना पड़ेगा, चेयरमैन ने कहा है, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो कंपनी देने के लिए। मुझे बहुत ही बोर फील होता है मीटिंग पे, तो तुम मेरे साथ जाओगे और वहाँ पे जो भी बोलेंगे उसे नोट कर लेना, ठीक है, ताकि मुझे बाद में वो काम आए। तो तेई बोलते हैं ओके। फिर वो दोनों बाहर निकल जाते हैं और तेई को कार पे बैठने के लिए बोलते हैं जेके। तो तेई कार पे बैठ जाते हैं और जेके भी कार पे बैठते हैं और बोलते कि अपना सीट बेल्ट बांधो। तो फिर तेई बोलते हैं क्या मैं कार ड्राइव कर सकता हूँ, आप बैठ जाइए, मेरे होते आप कार को क्यों चलाएंगे। तो जेके बोलते हैं क्या तुम्हें कार चलाना आते हैं। तो तेई बोलते हैं हाँ मुझे आता है और मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है। तो जेके बोलते हैं तो फिर ठीक है, लेकिन आज नहीं, तुम कहीं और दिन ड्राइव कर लेना, आज मैं तुम्हें लेकर जाता हूँ। तो फिर तेई बोलते हैं ठीक है बॉस, और फिर वो सीट बेल्ट बांध लेते हैं और वो दोनों जो है जाते हैं उस मीटिंग पे, रेस्टोरेंट पे पहुँच जाते हैं। और रेस्टोरेंट पे जो है जो मीटिंग पे आने वाले थे वो लोग आते हैं, उन लोगों के साथ बहुत ही अच्छा सा मीटिंग होते हैं। और मीटिंग पे जो भी बात हुए थे जेके के साथ वो तेई नोट कर लेते हैं, क्योंकि जेके ने कहा था पहले ही। मीटिंग ख़त्म हो जाने के बाद जेके तेई को बोलते हैं मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होंगे ना। तो तेई बोलते हैं नहीं मैं चला जाऊंगा, लेकिन जेके बोलते हैं लेकिन क्यों, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, इतनी रात को तुम अकेला कैसे जाओगे। तो तेई बोलते हैं ठीक है बॉस। तो फिर तेई को घर छोड़ने के लिए जेके जाने वाले थे, लेकिन अचानक बारिश शुरू हो जाते हैं और वो लोग जो है जा नहीं पाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रहे थे और ये दोनों यहाँ पे फंस जाते हैं। तो उन दोनों को एक होटल के कमरे को बुक करना पड़ते हैं, लेकिन कमरा जो है एक ही खाली था और उन दोनों के एक कमरे में रुकना पड़ेगा रात को। तो जेके बोलते हैं क्या और कोई कमरा नहीं है। तो मैनेजर बोलते हैं होटल की नहीं सर, हमारे पास एक ही कमरा खाली है, क्या आप दोनों एक कमरे में एडजस्ट नहीं कर लोगे, आप दोनों कपिल हो ना। तो फिर जेके बोलते हैं दिमाग ख़राब है क्या, ओ मेरी सेक्रेटरी है, ठीक है पर्सनल सेक्रेटरी। और तो फिर सर क्या आप दोनों मैनेज कर लोगे साथ में, हमारे पास और कोई कमरा खाली नहीं है। लेकिन ते जो है दूसरी तरफ सुनते हैं कि और एक इंसान को कमरा दे रहे थे, उन लोगों के पास कमरा खाली होते हुए भी वो लोग जो है हमेशा सब लोग यही बोलते हैं कि कमरा खाली नहीं है, एक ही कमरा है, और ये बात बोल के जो है बहुत ही पैसे लेते हैं। तो ते समझ चुके थे, तो ते जेके को बोलते हैं बॉस ये लोग जो है झूठ बोल रहे हैं, इन लोग के पास कमरा है फिर भी बोल रहा है कि एक ही कमरा खाली है, आप इन लोग को इतना पैसा मत दीजिए। जेके बोलते हैं कोई बात नहीं छोड़ो आप, अब हमें क्या करना, एक ही कमरा मिला है और बहुत बारिश भी है, अब घर नहीं जा सकते हैं, तुम अपने घर पे फ़ोन करके बता दो कि तुम अभी नहीं आ पाओगे, आज रात को हम दोनों को यहाँ पे रुकना पड़ेगा, सुबह को चले जाना घर पे, ठीक है। और फिर ते बोलते हैं ठीक है, फिर वो कॉल करके अपने घर पे बोल देते हैं कि मैं आज घर पे नहीं आ पाऊँगा, मुझे बॉस के साथ एक मीटिंग के लिए यहाँ आना था तो बारिश की वजह से यहाँ पे रुकना पड़ा। और फिर ते के घर वाले बोलते हैं ठीक है तुम अपना ध्यान रखना और सुबह को घर आ जाना, और ठीक है फिर कॉल रखते हैं। तो जेके बोलते हैं क्या हम हमारे कमरे में चले, और होटल के कमरे में जब जाने लगते हैं देखते हैं कमरा जो है बहुत ही बड़ा है, लेकिन बेड एक ही है और सोफ़ा है, लेकिन सोफे पे जेके को नींद नहीं आता है। तो ते बोलते हैं बॉस मैं सोफे पे सो जाता हूँ, आप बेड पे जाके सो जाइए। तो जेके बोलते हैं ठीक है, लेकिन तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होंगे ना, क्या तुम सुबह में सो पाओगे। ते बोलते हैं कोई बात नहीं मैं मैनेज कर लूँगा। तो जेके बोलते हैं तो फिर ठीक है, और फिर वो फ्रेश होने के बाद जेके जो है बेड पे आके सो जाते हैं बहुत ही आराम से, क्योंकि बिस्तर जो है बहुत ही नरम था, और वो अपनी फ़ोन को चलाने लगते हैं। लेकिन ते को बहुत ही दर्द हो रहा था क्योंकि सोफ़ा जो है थोड़ा सा हार्ड था और उस पर सो नहीं पा रहे थे, क्योंकि ते को भी सोफे पे सोने की आदत नहीं है। तेई जो है वो बहुत अमीर है, लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि तो फिर यहाँ पे काम करने के लिए क्यों आया है। उसने अपनी डैड को चैलेंज किया था कि वो दूसरे की कंपनी पे काम करके दिखाएंगे, लेकिन उसकी डैड ने उसको कहा था कि तुम नहीं कर पाओगे अमीरजादे, क्योंकि तुम बहुत ही नाजुक से पले हो।
और तुम किसी की ऑफिस पे स्टाफ बन के काम करोगे, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो ते ने कहा था मैं आप लोग को करके दिखाऊंगा, और वो उन लोगों को बोल के आया था कि 3 महीने के लिए किसी की ऑफिस पे काम करेंगे, वो कैसे भी काम हो वो कर लेगा। तो उसके डैड ने कहा था ठीक है मैं भी देखता हूँ तुम कितने दिन कर पाते हो। तो इस वजह से ते यहाँ पे आए हैं काम करने के लिए, वरना उसको काम करने की क्या ज़रूरत, वो भी दूसरों की ऑफिस पे, उसकी तो खुद की बहुत बड़ी कंपनी है। तो ये रही ते की कहानी। तो यहाँ पे जो है वो बहुत ही सफ़र कर रहे थे सोफे पे सोने के लिए, लेकिन उसकी बहुत दर्द हो रहे थे और वो मन में सोच रहा था, मैंने डैड को कहा था मुझे कैसे भी करके जॉब को रखना है अपने पास और इसको करके दिखाना है एटलीस्ट 3 मंथ, तो उसको तो करना ही होंगे। और अगर वो ये सब कुछ मैनेज नहीं करेंगे और इतनी इसी दर्द को नहीं सहेंगे तो फिर ये जॉब उसके हाथ से चला जाएगा, क्योंकि कोई भी काम जो है उसके लायक नहीं था। सब लोग बोल रहे थे कि आपकी क्वालिफिकेशन बहुत ही हाई है, आपकी गेट बहुत अच्छा है, और हम लोग आपको इतनी सी छोटी पोजीशन पे नहीं ले सकते हैं। और बहुत लोगों को ये भी पता है कि ते क्या है कौन है, लेकिन जेके को पता नहीं था। इस वजह से जेके जो है ते को अपना पर्सनल सेक्रेटरी बना चुके थे। तो यहाँ पे ते को बहुत दर्द हो रहे थे लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहा था। जेके जो है वो नोटिस करता है कि ते बहुत सफ़र कर रहा है सोफे पे सोने के लिए, लेकिन उसको नींद नहीं आ रहा था और ते की कमर जो है वो सीधा नहीं कर पा रहे थे, बहुत ही दर्द कर रहा था उसको। तो जेके उसको बोलते हैं तुम वहाँ पे नहीं सो सकते हो तो इतनी कोशिश क्यों कर रहे हो, तुम यहाँ पे आके सो सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या तुम्हें प्रॉब्लम है। तो ते बोलते हैं क्या मैं बेड पे आके सो सकता हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होंगे ना। तो जेके बोलते हैं अगर प्रॉब्लम होता तो मैं तुम्हें बोलता क्या, तुम आके सो सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हें प्रॉब्लम है क्या। तो ते बोलते हैं नहीं मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो जेके बोलते हैं ठीक है मैं बीच में तकिया रख देता हूँ, चलो बेड पे आ जाओ, आके दूसरी साइड पे सो जाओ, इतनी बड़ी बेड है तो सोफे पे सोने की क्या ज़रूरत, तुम लड़की थोड़ी हो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ कर दूंगा। तो ते मन में बोलते हैं कि हाँ सही कहा, मैं तो ऐसे ही और बॉस के साथ सोऊंगा इस वजह से। फिर जेके बोलते क्या सोचे हो जल्दी से आ जाओ, और फिर ते जो है बेड पे जाके सो जाते हैं, लेकिन उसको नींद नहीं आ रहा था और जेके को भी नींद नहीं आ रहा था, वो सिर्फ ते को देख ही जा रहे थे और ते भी जेके को देख रहा था, और वो दोनों एक दूसरे को देख ही जा रहे थे लेकिन कोई भी नहीं सो रहा था। तो अचानक जेके बोलते हैं अभी क्या हुआ, अभी क्यों नहीं सो रहे हो तुम, क्या अभी भी तुम्हें कोई दिक्कत हो रहा है क्या, तुम बिल्कुल टेंशन फ्री रह सकते हो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, ओके तुम सो जाओ। तो तेई जो है वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और बोलते हैं आप भी सो जाइए, और फिर जेके भी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, फिर वो दोनों ही सो जाते हैं। दोनों ही पूरी तरह से सो चुके हैं और जब सुबह उठते हैं तो वो दोनों जो है एक दूसरे का हग करके सोए हुए थे, और उन दोनों की होठों जो है एक दूसरे को टच करने वाले थे, इतनी नज़दीक था वो दोनों। और कुछ देर अगर ये दोनों सोने वाले थे ना तो वो दोनों जो है एक दूसरे को किस करने वाले थे कि इन दोनों की नींद टूट जाती है, और फिर जेके और ते जो है देखते हैं वो दोनों एक दूसरे को पकड़ के सो रहे थे, बीच की पिल्लो जो है पता नहीं वो कहाँ गायब हो चुके थे, और उन दोनों की होठ जो है एक दूसरे को छूने वाले थे, और वो दोनों अचानक से एक दूसरे को छोड़ देते हैं और उठ के बैठ जाते हैं और बोलते हैं बीच की पिल्लो कहाँ गया, क्या तुमने हटाया है। तो ते बोलते हैं मैं ऐसा नहीं करूँगा कभी भी, क्या आपने ऐसा किया है। तो जेके बोलते हैं क्या तुम मुझ पे शक कर रहे हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, हाँ और तुम ऐसा नहीं बोल सकते हो मुझे। तो फिर ते मन में सोचता है अगर मैं इस तरह से बातें करूँगा तो वो मुझसे नाराज़ हो जाएंगे और मुझे जॉब से निकाल देंगे। तो वो बोलते हैं सॉरी लेकिन बॉस मैंने ऐसा नहीं किया था, लेकिन मैं नींद में था, पता नहीं कैसे हो गया ये सब कुछ, आई एम सॉरी। तो जेके बोलते हैं इट्स ओके, लेकिन ये सब कुछ जो है किसी ने तो किया था, लेकिन किसने किया था किसी को नहीं पता क्योंकि दोनों ही सो रहे थे, शायद वो दोनों ही नींद में पिल्लों को फेंक दिया था।
और एक दूसरे को गले लगा लिया था। तो ये बहुत ही शाय फील करते हैं कि कुछ देर अगर ऐसे सोए रहते तो इन दोनों के बीच में किस होने वाले थे। और ते मन में बोलते हैं कि ये मेरा पहले किस होता अगर ऐसा कुछ होने वाला था तो। जेके बोलते हैं, जो भी था बहुत ही अच्छा था और मुझे बहुत अच्छा लगा। पता नहीं, ये जब से मेरी लाइफ में आया है ना, मेरी लाइफ जो है बहुत ही अच्छा लगने लगा है और मुझे ये बहुत अच्छा लगने लगा है। और इसको देखने के बाद मुझे कुछ और सोचने का मन ही नहीं करता है। मेरा मन करता है कि मैं उसे देख ही जाऊँ। ये बहुत ही खूबसूरत है, हैंडसम है और ये तो मेरी बहुत ही नज़दीक था। और कुछ देर हम दोनों ऐसे ही रहने वाले थे तो हम दोनों को तो अभी किस हो जाता। काश और थोड़ी देर हम दोनों ऐसे सोए रहते तो फिर हम दोनों की आज किस होने वाले थे। और ये किस मेरा पहली किस होता, काश ऐसा हो जाता तो कितना अच्छा होता। हाउ रोमांटिक। बाहर मौसम भी बहुत ही अच्छा है और बारिश भी था। ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। मैं इमेजिनेशन करके ही मेरे अंदर जो है भंगरा हो रहे हैं कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो जानको की हालत तो ख़राब होने वाले थे। तो तेज जो है जेकी की तरफ देखते और बोलते कि शायद बॉस ही नहीं ये सब कुछ किया था और वो अभी मुझ पे बोल रहा है कि मैंने ऐसा किया है। लेकिन जेके बोल रहा है, ते नहीं ऐसा किया होगा, शायद वो भी मुझे पसंद करता है। वो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे मन में कि इसने ही किया था। तो किसने वो एक पिल्लो को हटाया था पता नहीं। तो जेके ते को बोलते हैं, सेक्रेटरी किम जल्दी से जाके तैयार होकर आ जाइए और फिर हम दोनों को बाहर निकालना है और आपको घर भी छोड़ना है। आज आपको ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। तो सेक्रेटरी किम बहुत खुश हो जाते हैं। तो वो जल्दी से जाके फ्रेश होके आते हैं लेकिन बाथरूम पहना हुआ था। और वो ऐसे ही कमरे में आते हैं। जे के उसको देख के जो है अपनी आंखें बड़ी कर लेते हैं और उसको ऐसे ही देख घूरते रहते हैं। तो ते उसको पहले तो ध्यान नहीं दिया था कि जे के उसको इस तरह से देख रहा था। वो आके बोलते हैं कि आप जाके तैयार हो जाए, फ्रेश होके आ जाइए, मैंने नहा लिया है। तो जे के जो है वो जाने ही लगते हैं कि वो ते को अचानक क्या हुआ कि दोनों टकरा गए और ते के ऊपर जो है जे के गिर गया है बेड पे। ते नीचे था, जे के ऊपर था और वो दोनों के बीच में जो है किस हो जाते हैं। तो आखिर में जे के मन में जो चल रहा था वो आखिर में पूरा हो ही जाते हैं। इन दोनों की पहली किस हो चुकी है। जानबूझ के किसने नहीं किया है लेकिन इन दोनों के बीच में तो किस हो चुके हैं। और ते ही बहुत ही शौक है और जानकुक भी बहुत शौक हो चुके थे कि क्या हुआ। और जानकुक मन में बहुत खुश था कि वो जो चाहते थे आखिर में वो पूरा हो गया है। और वो मन में बोल रहे थे कि मेरे लिए तो ये सेक्रेटरी किम बहुत ही लकी है क्योंकि मैं जो भी सोचता है वो ही होते जा रहे हैं। तो मुझे अच्छा अच्छा सोचना है ताकि आगे और भी कुछ हो। तो आगे कुछ और हो पाएंगे या नहीं मुझे तो पता नहीं। नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार करना, ठीक है? अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।